अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी सोया चिली। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम पैन में पानी रखेंगे और फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे और सोया चंक को बॉइल करेंगे। सोया चंक में बॉईल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और बड़ी भी हो गई है पहले से। अब एक बर्तन में ठंडा पानी लेंगे और सोया चंक को पानी में डाल देंगे। अब सोया चंक ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के निचोड़ लेंगे और दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे इसको। सोया चंक में से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया हमने। अब हम इसको अलग बर्तन में डाल देंगे। अब हम 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। फिर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। फिर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सेजवान सॉस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सोया चंक को मसाले में कोट कर लेंगे। अब मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम स्पून की हेल्प से सोया चंक को डाल देंगे तेल में। सोया चंक को डाल के हल्के से चम्मच चला के इन्हें अलग कर देंगे। देखो फ्राई होके आने लगी, कितना अच्छा कलर आ चुका है अब इस पर। अब ये फ्राई हो चुकी है, देखो इस पर बबल्स कम हो गए। जब डाल रहे कितने सारे बबल्स थे, अब बबल्स कम हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमारी सोया चंक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे। जो बची हुई सोया चंक है वे भी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और गरम होने के बाद हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। फिर हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च स्क्वायर शेप में कटी हुई। फिर हम इसे हल्का सा सोटे कर लेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। अब हम टमाटर भी डाल देंगे स्क्वायर शेप में काट के। हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस। फिर हम डालेंगे ब्लैक सोया सॉस। अब हम इसको चम्मच चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सॉस को। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर, उसके बाद डालेंगे टमाटो सॉस। फिर एक बार हम इसमें अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर डालेंगे हरी प्याज। अब हम फ्राई सोया चंक को सॉस में डाल देंगे और अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में मिला के डाल देंगे और अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे ग्रीन चिली और लास्ट बार चम्मच चला के अच्छे से मिक्स करके गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हो चुकी है हमारी स्पाइसी सोया चिली रेडी। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।